यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमस्कार, मैं कमल कौशिक और मैं हूं आपके साथ अवंतिका यादव। अगले साल 2019 में लोकसभा के आम चुनाव होने हैं और उसके बाद 2019 में ही हरियाणा में विधानसभा के चुनाव भी होंगे। ऐसे में सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुकी है, लेकिन हरियाणा कांग्रेस की बात करें तो यहां हालात कुछ अजीबोगरीब बने हुए हैं। यहां पार्टी लेवल पर ही नहीं बल्कि हर नेता अलग अलग चुनाव की तैयारियां कर रहा है और साथ ही खुद को कांग्रेस पार्टी की ओर से सीएम कैंडिडेट के तौर पर पेश भी करने की कोशिश कर रहा है। इसी सिलसिले में आज प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार को जमकर कोसा। इस दौरान हुड्डा ने अगली सरकार कांग्रेस की बनने का दावा किया और कई लोक लुभावन चुनावी घोषणाएं भी कर दी, जिसमें किसानों की कर्ज माफी की घोषणा और बुजुर्गों को 3,000 रुपए प्रति महीने की पेंशन प्रमुख रही। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह भी कहा कि वो जो घोषणाएं कर रहे हैं उनकी मंजूरी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से मिली हुई है, लेकिन इन सब के बीच सवाल कई हैं जो उठ रहे हैं। सवाल ये कि आखिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा किस हैसियत से चुनावी घोषणाएं कर रहे हैं, इसी पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कहा गया पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से और साथ ही क्या रिएक्शन उस पर आ रहा है बीजेपी की ओर से। कांग्रेस पार्टी ने प्रस्ताव पास किया दिल्ली में कि कांग्रेस पार्टी की आएगी तो पहले जैसे यूपीए सरकार में हमने माफ़ किए थे, हम फिर किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे। दूसरा, जब मैं गया वहाँ पे तो जो एक वृद्ध महिला बुजुर्ग वो 85 साल के करीब की होगी गांव में, उसने मेरे को रोका और वो कहने लगी बेटा पास सुधा मर गया बड़ा जी हमारी मेरी पेंशन काट दी, और गरीब औरत थी वो 85 साल की थी। इसी प्रकार से एक बुजुर्ग मेरे को मिले गांव में, कहना जी 2 महीने की पेंशन देते हैं 1 महीने की नहीं देते, तो ये बड़ी गलत बात है। इस वास्ते हमने फैसला किया है कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो पेंशन जो है बुज़ुर्गों की 3,000 रुपये महीना से स्टार्ट हम करेंगे, 3,000 बुज़ुर्ग को और 3,000 बुढ़े को, 3,000 बुढ़िया को। तो बीजेपी सरकार पर निशाना तो जरूर था, लेकिन जवाब अपने विरोधियों को देना था जो कि उनकी पार्टी में ही मौजूद है। सभी को मालूम है कि हरियाणा कांग्रेस में किस कदर गुटबाजी अपने चरम पर पहुंच चुकी है। पिछले साल भी इसी तरह की खबरें सामने आई, एक बार फिर से ये साल शुरू हुआ तब भी ऐसी ही घटनाएं देखने को मिली, जिससे ये जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं कई गुट बटे हैं हरियाणा कांग्रेस में। चाहे वो बात करें अशोक तंवर के गुट की, चाहे वो हुड्डा खेमे की बात करें, चाहे वो किरण चौधरी के खेमे की बात करें, तमाम जो नेता हैं वो अपने आप में ऊपर दिखाई देते हैं, ये कहते हुए नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि कहीं ये वर्चस्व की लड़ाई तो नहीं है। बिल्कुल, कहीं ये वर्चस्व की लड़ाई तो नहीं है। और साथ ही सवाल ये भी कि आखिर क्या आला कमान ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कमान सौंप दी है, क्या उन्हें सीएम कैंडिडेट के तौर पर प्रेजेंट करने जा रही है, क्या अगला चुनाव जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में हरियाणा में लड़ा जाएगा, क्या यही तैयारी है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनावी घोषणाएं कर रहे हैं, या फिर ये महज वर्चस्व की लड़ाई के तौर पर इसको देखा जाए कि हालांकि कमान जो है कहीं से नहीं मिली है लेकिन इसके बावजूद चुनावी घोषणाएं की जाती हैं। आखिर किसको अधिकार है चुनाव से पहले चुनावी घोषणाएं करने का, और अगर इस तरह से यहां पर अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पूर्व मुख्यमंत्री को इस बार सीएम कैंडिडेट के तौर पर प्रेजेंट नहीं किया जाता है कांग्रेस की ओर से, क्या उनकी जो घोषणाएं हैं फिर इनको माना जाएगा पार्टी की ओर से, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर हैं, अशोक तंवर जो है वो कुछ और घोषणाएं करते हैं लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से भी चुनावी घोषणाएं की जा रही हैं। इसी को लेकर कई सवाल हैं कि आखिर किस हैसियत से चुनावी घोषणाएं कर रही हैं। उन्होंने कहा कि AICC की ओर से उन्हें मंजूरी मिली है, यानी कि क्या आलाकमान ने हुड्डा को हरी झंडी दे दी है, क्या अगला चुनाव जो है वो हुड्डा की अगुवाई में लड़ा जाएगा। बड़े सवाल हैं कई जिन पर हम आज चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि जो घोषणाएं आज की गई हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से उसमें किसानों की कर्ज माफी की जो है अहम घोषणा की गई है कि जब हमारी सरकार आएगी तब किसानों की कर्ज माफी जो है की जाएगी। किसान आज पिस रहा है, ये बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कही और कहा कि जब हम आएंगे सत्ता में आएंगे कांग्रेस की सरकार आएगी तो फिर कर्जा माफी जो है करने का फैसला लिया जाएगा। इसके साथ ही एक और जो बड़ा चुनावी घोषणा जो है बड़ी चुनावी घोषणा की गई भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से वो ये कि
पेंशन जो है उसमें वृद्धि की जाएगी। 3,000 रुपए जो है प्रति महीने की पेंशन दी जाएगी बुजुर्गों को, चाहे इसमें महिलाएं हैं या फिर पुरुष हैं, वृद्ध हैं या फिर वृद्धाएं हैं, सभी को 3,000 रुपए प्रति महीने की पेंशन करने का ऐलान भी, ये चुनावी घोषणा भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से की गई है। ये प्रमुख घोषणाएं हैं। और साथ ही अब सवाल ये कि क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस तरह से चुनावी घोषणाएं कर रहे हैं, क्या पार्टी की ओर से इनको माना जाएगा? क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष यानी हरियाणा कांग्रेस की कमान अशोक तंवर के हाथ में है। अशोक तंवर अगर घोषणाएं करते हैं तो उनको आधिकारिक घोषणा माना जाएगा, और अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर रहे हैं तो किस हैसियत से, किस पद से वो ये चुनावी घोषणाएं कर रहे हैं? कई सवाल है इसको लेकर जो आज उठ रहे हैं, इन्हीं पर हम चर्चा भी करेंगे। तो कई सवाल हैं जो उठ रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की इन घोषणाओं के बाद से, इसी पर हम चर्चा करेंगे। कई सवाल हैं जिनके जवाब हम लेंगे। एक विशेष पैनल हमारे साथ मौजूद है, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। भाजपा से हमारे साथ सुदेश कटारिया मौजूद हैं, साथ ही रेलो का पक्ष रखने के लिए प्रवीण अत्रे जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस से बाल मुकुंद शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार केसी मलकानिया जी भी हैं, और साथ ही फोन लाइन पर हमारे साथ केवल ढींगरा जो है वो भी जुड़ गए हैं कांग्रेस की ओर से। स्वागत है आप सभी का खबरें अभी तक पर। सबसे पहले बाल मुकुंद शर्मा जी आपके पास आते हुए, क्योंकि आप खुद को आधिकारिक प्रवक्ता कहते हैं कांग्रेस पार्टी के, तो आखिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा किस हैसियत से चुनावी घोषणाएं कर रहे हैं प्रदेश में? देखिए, सबसे पहले तो आपका क्लेरिफिकेशन मैं कर देता हूं। आपने जो ये कहा कि आप अपने आप को आधिकारिक प्रवक्ता कहते हैं, मैं नहीं कहता, नहीं आप हो, आप हाँ मैं हूँ, थैंक यू कमल जी, जब भी आपको तभी आपको ये मैं कहता हूँ अधिकारी बताओ तो फिर सर, मेरे अधिकारी प्रवक्ता आप है ना, तो आप बताइए, ये सवाल आप ही से, इसलिए सबसे पहले कि आखिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा किस हैसियत से चुनावी घोषणाएं कर रहे हैं? मेरे वाले क्लियर होगी बात आपको? जी जी बिल्कुल क्लियर होगी सर। ठीक है, आपका लिखा जो है कांग्रेस प्रवक्ता। जी जी जी, देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने दो बातें कही है इसमें, मैं समझता हूँ आपको क्लैरिफिकेशन मैं कर देता हूँ, क्योंकि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, हम जो घोषणा करते हैं वो पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में हमारी घोषणाओं का अमलीजामा पहनाया जाता है। अगर हम किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे तो ऐसा नहीं है कि हम हरियाणा में माफ़ करेंगे, वो हमें पूरे देश में माफ़ करेंगे, जैसे UPA 2 के शासनकाल में हमने किया। और पेंशन अगर हम आज 3,000 करते हैं तो वो हम पूरे हिंदुस्तान स्तर पर लागू करेंगे। इसलिए ये फैसले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी और हमारी CWC वो कमेटी बैठ के तय करती है, क्योंकि ये एक लाजमी एक चीज़ है, एक प्रक्रिया है। कांग्रेस अगर हरियाणा में 3,000 पेंशन दे तो पंजाब में 2,000 नहीं दे सकती। बाल मुकुंद शर्मा जी, सवाल वही कि क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कमान सौंपी गई है, चुनावी घोषणाएं कर सकते हैं प्रदेश के अंदर? नहीं, देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा वरिष्ठ नेता है हमारी पार्टी, उनको कमान नहीं सौंपी गई, कुछ वो एक पार्टी के कार्यकर्ता आज के थे, लेकिन उनका सुझाव बड़ा महत्वपूर्ण है, वो अशोक तंवर को अपना सुझाव भेज देंगे। और सबसे पहली बात तो ये है कि आपने खुद ही एक लाइन बोली थी कि जो घोषणाएं हुड्डा साहब कर रहे हैं वो आधिकारिक नहीं मानी जा सकती, यही आपने पूरा लबोलुभाव जो है इसका निकाल दिया। क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जैसे कि बाल मुकुंद शर्मा जी भी कह रहे थे, कोई कार्यकर्ता है, उनके पास पार्टी में कोई भी पद नहीं है। और दूसरी बात, भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर किसी को पार्टी में ज्वाइन करवाते हैं तो तंवर साहब उस ज्वाइनिंग को ही नहीं मानते हैं, तो उनकी घोषणाओं को क्या मानेंगे? ये तो कहीं ना कहीं, मैं वही बात जो हमेशा कहता हूँ कि पार्टी में अपने अस्तित्व की को खोजने की कोशिश है हुड्डा साहब की, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। जैसे हुड्डा साहब ने कहा कि AICC से मुझे परमिशन है, क्या AICC गुपचुप परमिशन देती है? क्या वो अगर किसी को ऑथोराइज करेगी तो क्या गुपचुप ऑथोराइज करेगी? ये लाइन मेंशन करने की क्या जरूरत थी, ये कहने की क्या जरूरत थी कि AICC से मैं परमिशन, भ्रम की स्थिति पैदा करना? देखिए, मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ संगठन में क्या होता है, जैसे इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है राहुल जी, जैसे ये बोल रहे थे कि अगर हम कोई घोषणा कर रहे हैं तो राष्ट्रीय संदर्भ में कर रहे हैं, तो नेचुरली वो राहुल जी घोषणा करेंगे, वो हुड्डा साहब तो करेंगे नहीं बिल्कुल। और अगर प्रदेश के संदर्भ में कोई घोषणा करेंगे तो वो तंवर साहब करेंगे, मुझे नहीं लगता कि वो हुड्डा साहब करेंगे, क्योंकि उनके पास कोई पद नहीं है। तो ये तो कहीं ना कहीं हुड्डा साहब की अपनी ही पार्टी में अपना अस्तित्व खोजने की एक कोशिश है और एक भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश है। शायद बाल मुकुंद शर्मा जी जो है इस पर मुझे लगता है कि ज्यादा स्पष्ट तौर पर नहीं कह पाए, कहना लगभग वो भी यही चाह रहे थे। कटारिया साहब की बात चलेंगे, कटारिया साहब क्या लगता है कि कांग्रेस का विपक्ष कांग्रेस ही बनते जा रही है और आपको फायदा होगा? सर्वप्रथम मैं मेरे इनेलो से प्रवक्ता, कांग्रेस से प्रवक्ता जी, इनसे अपील करना चाहता हूं कि बड़ी शालीनता से मैंने इनकी बात सुनी और बड़ी शालीनता से ये भी मेरी बात सुनेंगे। इनका चल चरित्र और चेहरा सामने लाने के लिए आज मैं कुछ बातें
इस चैनल के माध्यम से प्रदेश की जनता तक पहुंचाना चाहता हूं। किस मुंह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसान हितैषी होने का दावा करते हैं, जो पिछले दिनों 1500 करोड़ का जो मानेसर लैंड डील घोटाले में सीबीआई द्वारा, मैं पूरी बात बताऊंगा, मेरी बात सारे हमारा विषय नहीं है, बिल्कुल भी आपकी सरकार ने क्या उपलब्धियां बिल्कुल हमारे भी आ जाएंगे। अभी पहले आप ये चला रहे हो, इतनी करोड़ चेहरा, काला चेहरा प्रदेश, जनता सब कुछ समझती है, आपको कहने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल करेंगे, हां बिल्कुल, आपके कहने से जनता नहीं समझ पाएगी। जिस प्रकार से अत्रे जी ने कहा, मैं इनकी बात का, इस बात का समर्थन करता हूं कि वर्चस्व बताने की लड़ाई कांग्रेस पार्टी में चली हुई है। जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि आला कमान से हम रेजुलेशन लेके आए हैं, क्या इनके देश के आला कमान राहुल गांधी जी को पता है कि किस प्रकार की कांग्रेस में गुटबाजी हरियाणा प्रदेश और उत्तर प्रदेश और पूरे देश में हो रही है? नहीं नहीं नहीं, मैं बताता हूँ, इनके इनके प्रदेश के मुखिया, इनके देश के मुखिया, इनके प्रदेश के मुखिया को सरेआम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिल्ली में लाठी और डंडों से पीटा, उसका सर फोड़ दिया गया। किस प्रकार मेरा सवाल ये था कि कांग्रेस का विपक्ष कांग्रेस ही बनती जा रही है, हरियाणा कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, क्या आपको फायदा होगा इसका? कांग्रेस क्या आपको, कांग्रेस और नेशनल लोकदल अपना वर्चस्व पूरी तरीके से खो चुके हैं। 2019 के चुनाव में जनता तय करेगी, जनता तय करेगी, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल बताऊंगा। प्रदेश की जनता 2019 में तय करेगी, फिर से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करके फिर से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी को देश में और माननीय मुख्यमंत्री कटारिया जी वोट हो गया साहब। देखिए ऐसे चर्चा नहीं, नहीं सर, आप अपने हिसाब से नहीं चलेंगे चर्चा में, आप अपने हिसाब से नहीं चलेंगे, आप बिल्कुल जवाब दीजिए, आप अपने हिसाब से चलेंगे क्या? आप नहीं, डिबेट में आप अपने हिसाब से चलेंगे क्या? आपने शुरुआत में ये कहा कटारिया साहब, कटारिया साहब सुनिए सुनिए कटारिया साहब, ये प्रदेश की जनता के सामने आप यहाँ पर चुप होंगे क्या? आपको म्यूट किया जाए, आपको म्यूट किया जाए क्या? आप चाहते हैं क्या? आप चाहते हैं आपको म्यूट किया जाए? नहीं, आप चाहते हैं क्या? चलिए चलिए अत्रा साहब, केवल ढींगरा साहब को जोड़ लेते हैं डिबेट के अंदर। ढींगरा साहब, भूपेंद्र सिंह हुड्डा किस हैसियत से चुनावी घोषणाएं कर रहे हैं? आपसे भी सवाल वही, उन्होंने वो कह रहे हैं कि एआईसीसी से परमिशन उनको मिल गई है, सर किस तरह से परमिशन मिली है? ये कौन कह रहा है परमिशन मिल गई है या नहीं मिल गई है, कौन कह रहा है? ये तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बोला है सर। जवाब मिल गया? किसने कब बोला? नहीं, उन्होंने यहाँ पर अपनी जब चुनावी घोषणाएं की, उनसे पूछा गया कि आखिर वो चुनावी घोषणाएं प्रेस कॉन्फ्रेंस की है सर, आपको मालूम है कि एआईसीसी ने उनको परमिट किया है, उन्होंने घोषणा की है, लेकिन उन्होंने ये कब कहा कि मुझे हाईकमान ने कुछ कहा है? तो सर फिर बता दीजिए आप किस हैसियत से क्यों कर रहे हैं वो चुनावी घोषणाएं? प्रदेश अध्यक्ष तो अशोक तंवर हैं, उनके पास कौन सा पद है? आपको आपको बयान सुनना है तो हम सुना देते हैं सर, सुनना आपको, सुनिए आप मेरी बात। नहीं ढिंगरा साहब, पहले आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने ये नहीं कहा वो नहीं कहा, आपको बयान सुना है क्या? चलिए सुना देते हैं, नहीं कंफ्यूजन होगा, सुना ही देते हैं, चलिए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा हुड्डा ने। सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए उसके बाद जवाब दीजिए, सुनिए सुनिए। कांग्रेस पार्टी ने प्रस्ताव पास किया दिल्ली में एआईसीसी में कि कांग्रेस पार्टी की आएगी तो पहले जैसे यूपीए सरकार में हमने माफ़ किए थे, हम फिर किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे। दूसरा, जब मैं गया वहाँ पे तो जो एक वृद्ध महिला बुजुर्ग वो 85 साल के करीब की हुई गांव में, उसने मेरे को रोका और वो कहने लगी बेटा पास सुधा मर गया, बड़ा जी हमारी मेरी पेंशन काट दी, और गरीब औरत थी वो 85 साल की थी। इसी प्रकार से एक बुजुर्ग मेरे को मिले गांव में, कहने लगी 2 महीने की पेंशन देते हैं, 1 महीने की नहीं देते, तो ये बड़ी गलत बात है। इस वास्ते हमने फैसला किया है कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो पेंशन जो है बुजुर्गों की 3000 रुपये महीना से स्टार्ट हम करेंगे, 3000 बुजुर्ग को और 3000 बुढ़े को, 3000 बुढ़िया को।
नीरज साहब सवाल वही, आखिर किस हैसियत से चुनावी घोषणाएं की जा रही हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से? इनेलो जिस तरह से कह रही है, अत्रे साहब ने जिस तरह से कहा, भ्रम पैदा करने की स्थिति जो है बनाई जा रही है, क्या यही कोशिश है क्या? देखिए, जिस समय 2014 का चुनाव था उस समय ये लोग ये कह रहे थे कि हम जो है हमारी सरकार आएगी तो 1500 रुपए कर देंगे पेंशन। चौटाला साहब के वर्ड है ये। चौटाला साहब सवाल आपसे घोषणा जो की थी कहां से पूछ के थी? क्योंकि सवाल सुनिए ना, सवाल तो सुनिए, किस हैसियत से लीडर घोषणा कर सकता है? मुख्यमंत्री रहे 11-10 साल, आप तुलना कर जाते हैं दूसरे सरकारों की। आप नीरज साहब, चौटाला साहब हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हुड्डा साहब कुछ भी नहीं है पार्टी में, वो कुछ भी नहीं है। बताइए उनके पास कौन सा पद है? अरे ये बताइए उनके पास कौन सा पद है? पार्टी ने आधिकारिक तौर पे उनको अधिकार दिया हुआ है क्या? ये अरे तो बताइए ना, जब पार्टी आप अगर किसी को पार्टी में शामिल करते हैं, हुड्डा साहब अशोक तंवर उसको तो मानते नहीं, उसको तो कह देते हैं कि ये ज्वाइनिंग ठीक नहीं है। घोषणाओं की बात ही नहीं की, आप उस पर अडिग हैं या नहीं हैं, उनके ऊपर चर्चा ही नहीं, चर्चा ये है कि आखिर किस हैसियत से चुनावी घोषणाएं कर रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा? बिल्कुल कर रहे हैं, और मैं लड़के की चोट पे कहता हूँ, वो हम करेंगे घोषणा और हम पूरा भी करेंगे, उसको हमारी सरकार आएगी। सर कैसे पूरा करेंगे? आप बातों को घुमा क्यों रहे हैं? प्रोजेक्ट करने वाले हैं क्या मुख्यमंत्री के तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को? राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी याद नहीं होगा किसको क्या कह दिया है पार्टी की ओर से, क्या ये बात आ चुकी है सामने? आपकी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात हो चुकी है। नहीं सर, अब आप कह रहे हैं, अब आपने इससे पहले खुद ही सवाल किया कि कब कहा उन्होंने कि बात हुई है नहीं हुई है, अब आप कह रहे हैं बात हो चुकी है, यानी कि उनको अधिकार है। अगर आप ऐसा मानते तो ऐसा मान लो, हम तो तीन सर आपने कहा ना मानने से क्या, मजाक मत बनाओ जनता का, प्रॉब्लम क्या बताइए, जनता का मजाक मत बनाओ। चलते हैं ढिंगरा साहब फिर से आएंगे आपके पास, मलकानी साहब क्या लगता है वर्चस्व की लड़ाई कहेंगे और क्या कह सकते हैं? हरियाणा में जो लड़ाई है कांग्रेस के वो चढ़ जाहिर है, और यहाँ तो वर्चस्व की लड़ाई है। हर नेता चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा घोषणाएं करें और मेरे पीछे जनता लगे, और मैं उस हिसाब से दावा करूं कि मैं मुख्यमंत्री पद का दावेदार हूं। अभी तो लोकसभा का चुनाव होना है, विधानसभा के चुनाव से पहले, और इसके लिए तो बाकायदा चुनाव समिति बनेगी, घोषणा पत्र तैयार होगा, ये तो सारी बातें उसमें आएगी। और केंद्र की घोषणा से की घोषणा से हरियाणा का क्या मतलब है? हरियाणा की अगर कमेटी की बैठक होती हूँ उसमें ऐसी घोषणा की जाती है और हुड्डा जी को अथोराइज किया जाता है, तो हम समझते हैं कि शायद इसे मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है। बिल्कुल, बिना अथॉरिटी के बालमुकुंद शर्मा जी, कि आपके सभी बड़े नेता इस तरह से घोषणाएं करते फिरेंगे, जनता किसकी माने? नहीं, वो सुझाव दे सकते हैं। तो ये सुझाव नहीं था सर, ये तो चुनावी घोषणा थी, आप कह रहे हैं सुझाव है ये? आपने सुना भी, दोबारा भी सुना, वो कह रहे हैं घोषणा कर। नहीं, उन्होंने ये कहा, वो थोड़ा उनका कहने का लहजा नहीं आपने देखा कि वे मेरी केंद्रीय नेताओं की हमारी दिल्ली में बैठ के बात हुई, और उसमें दो तीन और भी इशू थे, पेंशन से अलग एक और कर्जा माफी का भी था। मैं अभी भी आपको आप क्लियर हैं ही, आप चलो कितना इस बात को लंबा खींचे। हमारा केंद्रीय पार्टी की आप बात करें, चुनावी घोषणाएं कौन कर सकता है, किसके पास अधिकार है? ऐसा है पार्टी का, मैं आपको विस्तृत बताता हूँ, चाहे अशोक तंवर अध्यक्ष हो या पार्टी का कोई और भी अध्यक्ष हो, किरण चौधरी कुछ कहे, कुलदीप बिश्नोई कुछ कहे, वो सभी मेरी बात देखो, आप बात पूरी नहीं होने, देखो मैं तो बिल्कुल शालीनता से कह रहा हूँ, अभी आपको समझ में आ जाएगी मैं जो कह रहा हूँ, मैं वहीं ले आऊंगा बात जहां पर ले आना चाहते हैं। ये लोग सब मिलके अपने सुझाव रख सकते हैं अशोक तंवर के सामने, उसके लिए भी समय भी काफी है, इन लोगों को व्यक्तिगत तौर पर अपनी बात रखने का ये अधिकार है कि वो सब मिलके अशोक तंवर को बताएंगे, पार्टी उस पर विचार विमर्श करेगी। मैं अगली बस अभी एक मिनट में ले आऊंगा, उसके बाद अशोक तंवर ये फैसला करेगा कि क्या क्या विषय हमें राहुल जी के पास लेके जाना है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, हमारी जो घोषणा है हम नहीं कर सकते। आप कह रहे हैं, सुनिए बालमुकुंद जी, अभी की बात कह रही हूँ, यानी आप कह रहे हैं जो उन्होंने घोषणा की है इसको अभी अशोक तंवर की ओर से अप्रूव होना है? नहीं, राहुल गांधी की तरफ से।
17 जनवरी के करीब जहां तक अशोक तंवर जी ने खुद कहा था कि मंथन शिविर होगा 2019 में, और करण दलाल पत्रकार वार्ता करके कहते हैं कि राजभवन जाएंगे हम तो तमाम विधायकों को लेकर और बीजेपी सरकार को घेरेंगे कई मुद्दों पर, ये गुटबाजी नहीं दिखाते तो क्या दिखाते? इसकी कौन फैसला लेता है? अशोक तंवर एक जैसे क्या बोलते हैं, सोच का फर्क है, पढ़ी लिखी बात करने वाला युवा नेता है, प्रदेश का अध्यक्ष है। मंथन शिविर हमने रखा, उसमें हमारा व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना यह है कि पूरे प्रदेश के जितने नेता तौर पर गए ना, व्यक्तिगत तौर पर मैं आपको वो प्रवक्ता के तौर पर आप मेरी मैं वो भी कह सकता हूँ अपनी बात, प्रवक्ता के तौर पे भी कह सकता हूँ अपनी बात, दोनों तरह से मैं बात कह सकता हूँ। उसी लिए व्यक्तिगत तौर मैंने ये कहा कि वो जो अशोक तंवर जी के विचार थे और जो पलवल जो विधायक ने कहे, उन दोनों को मैं क्लैरिफाई आपको ये करना चाहता हूँ कि मंथन शिविर हमने पहले घोषित कर रखा था। पलवल के विधायक के क्या विचार हैं वो उसके व्यक्तिगत विचार हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ जैसे मैं अपने व्यक्तिगत विचार, आप मान क्यों लेते गुटबाजी है, आप मान क्यों नहीं लेते? किस बात की गुटबाजी? दो अध्यक्ष हैं हमारे। सर आपने खुद कहा कि पहले ये निर्धारित था, ये पहले ही फैसला लिया जा चुका है, उसके बावजूद करण दलाल आते हैं कहते हैं तमाम विधायक। कौन है करण दलाल? विधायक आपकी पार्टी के, विधायक है पार्टी के, वो फैसला लेने का अधिकार तो नहीं होगा आपकी पार्टी के विधायक है? क्यों की जा रही है इस तरह से सामने आकर? चुनाव घोषणा नहीं है ये सुझाव दिया आप मेरे से पूछ रहे हैं कि करण दलाल कौन है? मीडिया के सामने आप कांग्रेस के, आप मुझसे पूछ रहे हैं क्या कि करण दलाल कौन है? देखिए ऐसा है, दो चीजें हैं, मुझे तो हैरानी इस बात की हो रही है। बालमुकुंद जी आप कह रहे हो कि सुझाव दे सकते हैं, ये बात मैं भी मानता हूँ, होता भी ऐसा है कि अगर पार्टी का कोई नेता अध्यक्ष को सुझाव देना चाहे तो पार्टी प्लेटफॉर्म पे दे सकता है। लेकिन बालमुकुंद जी यहाँ पे सुझाव नहीं दिया जा रहा, यहाँ पे घोषणा की जा रही है बाकायदा पत्रकारों को बुला के। क्या सुझाव पत्रकारों के सामने दिए जाते हैं? सुझाव तो पार्टी प्लेटफॉर्म पे दिए जाते हैं, पत्रकारों के सामने तो घोषणाएं होती हैं। और मुझे हैरानी इस बात की है, तंवर साहब अपने इंटरव्यू में ये बात बोलते हैं कि साहब अगर हुड्डा साहब ने 10 साल में काम किया होता तो ये हालात ना होते। तंवर साहब हुड्डा साहब के बारे ये बोलते हैं कि अगर उन्होंने किसी को पार्टी में ज्वाइन कराया है तो ये ज्वाइनिंग में मानता नहीं क्योंकि ज्वाइनिंग तो गलत है। और वो सच बात है तो लेकिन फिर आप ये बात क्यों नहीं कहते कि ये जो घोषणाएं कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है घोषणाएं करने की, इसको पार्टी ऑन कैसे करेगी, ये क्यों नहीं बोलते आप? पार्टी लेकिन लेकिन उनके शब्द देखो आप, उनके शब्द तो बड़े स्पष्ट है कि हमारी सरकार, देखिए जब वो आधिकारिक रूप पे आपके हिसाब से, मुझे एक बात बताइए पहले आप छोटा सा, क्या वो आधिकारिक रूप से उनको अख्तियार है कि वो घोषणा कर सकते हैं? मैं बताता हूं उन्होंने क्या, आप इस बात का जवाब दीजिए, क्या अख्तियार है? मेरी बात तो सुनो जी, वो ने कहा मैं एक गांव में गया और मुझे एक बुजुर्ग महिला मिली, उसका दर्द दर्द व्यक्त किया। ये बात सुन चुके हैं हम, यही तो बात है, कहना क्या चाहते हैं? ये उन्होंने सुझाव रख दिया, अशोक तंवर के पास सुझाव आएगा, उसके बाद हम विचार करेंगे। खुद शर्मा जी कह रहे हैं कि सुझाव दे सकते हैं लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पर चुनावी घोषणा कर रहे हैं। घोषणा नहीं करी, एक गाँव में गया, एक कहानी सुनाई, उन्होंने कहानी सुनाई की एक बुजुर्ग महिला मिली वो दुखी थी, एक महिला आप सुन रहे हैं 3,000 रूपए घोषणा है, उस महिला से वादा किया उन्होंने, घोषणा नहीं की, उस महिला से वादा किया है। वो बयान सुनाने पड़ेंगे क्या? बात सुना लो पड़ेंगे, सुना लो। वो एक महिला से मिले जो कि दुखी थी, वो एक दुखी महिला से मिले। बालमुकुंद जी इतने सियाने आदमी हो गए, कैसी बातें कर रहे हो आप? बहुत स्पष्ट घोषणा, वो घोषणा के मूड में पत्रकारों को बोल रहे हो। प्रदेश की जनता के साथ मजाक कर रहे हो। एक उनको एक औरत मिली, उन्होंने सुझाव मारे को दे देंगे, हम उसमें मान लेंगे। फिर से सुनाओ, सुनो, सुनिए सुनिए सुने, वो अपनी मर्जी से हम सुना देंगे, सुनाने की कोशिश करेंगे। बालमुकुंद जी सबसे कम जवाब जवाब लेंगे और सबसे यही चाहते हैं हम कि डिबेट जो है एक अच्छी दिशा में जाए, और सबसे जो है यही गुजारिश है कि आप आराम से बोले, अच्छे से बोले। डिंगरा साहब से सवाल है, डिंगरा साहब आवाज मिल रही है आपको? जी मिल रही है, बिल्कुल जी। डिंगरा साहब ये बताएं, क्योंकि बालमुकुंद शर्मा जी कह रहे हैं कि उन्होंने सुझाव दिया है मीडिया के सामने, ये घोषणा नहीं है, यानी कि वो अध्यक्ष के पास जाएगी, वो माने ना माने उनके ऊपर है, तो फिर कैसे वो चुनावी घोषणा कर रहे हैं? मीडिया के सामने आकर कैसा सुझाव है सर ये? देखिए हमने अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही है तो मैं अभी भी ये कह रहा हूँ कि हम जो है, जो हमारा चुनावी साल आएगा उसमें हम 3,000 रुपए पेंशन कर देंगे, ये हम संकेत। आपका एक ही जवाब है क्या सर? आपके पास कोई जवाब नहीं है क्या इसके अलावा? कहाँ जवाब है सर आपके पास? आपसे सवाल कुछ करते हैं आप जवाब कुछ देते हैं? आप ये बताइए कि खुद बालमुकुंद शर्मा जी कह रहे हैं कि राजभवन में करण दलाल जाएंगे तमाम विधायकों के साथ, क्या लगता नहीं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पत्रकार वार्ता करने के लिए कहा होगा उनको?
सारी बात फाइनल है, मैंने कहा कि अब 3000 रुपए कर। चलिए आपकी बात फाइनल है, यानी कि ये चुनावी घोषणा है आपकी। केसी मलकानिया जी, बाल मुकुंद शर्मा जी कुछ और कह रहे हैं, ढींगरा साहब कह रहे हैं कि चुनावी घोषणा है, ये तो पक्की हमारी सरकार आएगी, हम पक्का करेंगे इसको। ये कह रहे हैं चुनावी साल आएगा तो हम इसको कर देंगे, ये सरकार में आने के बाद नहीं कह रहे, ये कहते जब चुनावी साल आएगा तब कर देंगे। ये घोषणा की घोषणा ही है, ये जो आपसी फूट है इनकी सामने आई, वर्चस्व की लड़ाई है। लोकसभा चुनाव में देखेंगे कौन सी गुट कितनी सीट है, कहां कहां जिताता है। उसी एक सवाल ये भी आता है कि जो आएंगे डिगरा साहब आएंगे, आपका जवाब शायद सूझ गया होगा, आपसे लेंगे जवाब। मलकानिया साहब, सवाल ये भी है कि जो आलाकमान ने, कांग्रेस आलाकमान ने फैसला किया कि जो सभी राज्यों के अध्यक्ष हैं वो बरकरार रहेंगे अपने पदों पर, क्या लगता है कि उसके बाद और ज्यादा बढ़ चुकी है ये गुटबाजी, और ज्यादा वर्चस्व की लड़ाई हो चुकी है? नहीं, वर्चस्व की लड़ाई तो चलती रही है, हरियाणा में तो अलग अलग गुट हैं, वो तो लोकसभा में चुनाव में अपनी परफॉर्मेंस दिखाएंगे, उसके बाद नेता तय होगा। अभी तो नेता तय हो ही नहीं सकता, विधानसभा के चुनाव उसके बाद आएंगे और उसके बाद पता लगेगा किसको ये आगे प्रोजेक्ट करते हैं। इसमें तो दबाव बनाने की राजनीति है क्या फिर? हाँ, ये दबाव की राजनीति है और वर्चस्व की लड़ाई। सुरेश कटारिया जी, देखिए सर, यहाँ पर चुनावी वादे अपने मत कीजिएगा, लेकिन सवाल का जवाब जो है वो जरूर दीजिएगा। यहाँ पर बाल मुकुंद शर्मा जी कह रहे हैं कि सुझाव जो है पार्टी के बड़े नेता दे सकते हैं इस तरह से, लेकिन मीडिया के सामने आकर जो बयान देते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। केवल ढींगरा जी कह रहे हैं कि हम जरूर पूरा करेंगे उसको। देखो, सरासर सबको पता है, प्रदेश और देश की जनता आपके चैनल के माध्यम से देख रही है उनकी बातों को। प्रदेश की जनता से छलावा है, छल कपट है, धोखा है, बिल्कुल सरेआम धोखा है। और इस प्रकार का धोखा, जिस प्रकार से 10 साल का कार्यकाल पिछले दिनों में जब इनकी सरकार रही, प्रदेश की जनता को इनको छलने का काम किया, किस प्रकार से गरीब किसानों की रीढ़ की हड्डी तोड़ने की काम की, किस प्रकार से दक्षिण हरियाणा का किसान जो खास तौर पर पानी के लिए प्रताड़ित था, बिजली के लिए प्रताड़ित था, वहाँ की जनता को अपनी सरकार का भय दिखा के 1500 करोड़ का घोटाला, किस प्रकार से हजारों एकड़ जमीन करके, प्रस्ताव नहीं जी, मेरा क्लियर कट जवाब है, प्रदेश की जनता से छलावा है और प्रदेश की जनता छलावा सहन नहीं करेगी। 2019 में वोट की चोट से इन लोगों से बदला लेगी उनका झोपड़ा साफ। क्या लगता है सर कि एक मौका दे देती है कांग्रेस जो सत्ता में है, बीजेपी सरकार को, उनके नेताओं को, ये जो मुद्दे से भटक जाएं और ये जो गुटबाजी में रहें और जो नेता हैं कांग्रेस के वो अपने अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ते रहें? स्वाभाविक है। देखिए कमल, मैंने जैसे पहले भी कहा, जब आप अपने अस्तित्व को अपनी पार्टी में ढूंढ रहे हो और सत्ता पर, देखिए विपक्ष में होने के नाते आपका कर्तव्य तो ये है कि आप जनता के हितों के लिए लड़ो, जनता के हितों की लड़ाई लड़ो। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है, हुड्डा साहब की किताब में जनता तो कहीं है ही नहीं है। हुड्डा साहब तो केवल अपने अस्तित्व को ढूंढने में लगे हैं। चाहे आप इनका किसान मजदूर जो इन्होंने सम्मेलन शुरू किए थे, अगर आपको याद होगा, बाकायदा सम्मेलन कर रहे थे लेकिन वहां पे किसान मजदूर का जिक्र नहीं करते थे, केवल एक प्रस्ताव पड़ा जाता था कि हुड्डा साहब को कमान दे दो। अब रथ यात्रा के नाम पे केवल टूर प्रोग्राम बनाए हुए हैं कि आज यहां होंगे, 5 दिन बाद वहां होंगे, 10 दिन बाद वहां होंगे, वो टूर प्रोग्राम है। और उसमें भी क्या हो रहा है, उसमें भी केवल एक ही लड़ाई, ना ये रथ रुकेगा ना रथ ये झुकेगा। अरे आम जनता का है भाई, आम जनता की बात आप करोगे, आम जनता का जिक्र नहीं है। एक चीज और कहूंगा, एक चीज छोटी सी, अभी भाजपा के प्रवक्ता जो है उन्होंने एक बात बोली कि ये प्रदेश की जनता के साथ छलावा, बिल्कुल सही बात है, धोखा है। हाँ। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 2000 चुनाव में 2014 के वायदे करके वोट ले लिया, वायदे पूरे नहीं किए, वो भी एक धोखा था, ये भी एक धोखा है। और दूसरी बात, इन्होंने जिक्र किया दक्षिण हरियाणा का किसान पानी की कमी की वजह से परेशान। अरे साहब, फिर आपने क्या किया दक्षिण हरियाणा के किसान के लिए? एसवाईएल का निर्माण आज तक नहीं आपने किया, सुप्रीम कोर्ट, अरे भाई चुप हो जाओ, मुझे पता था, अरे ऐसे चिल्लाते क्यों मत करो, एसवाईएल का निर्माण आप करने नहीं आए, बिना आधिकारिक अथॉरिटी के कोई इस तरह की बात करता है तो स्वाभाविक है वो जनता के साथ धोखा है, क्योंकि आपकी अधिकारी शोर मत मचाया, तो इनको समझा के बुलाया प्रवीण अत्रे कितने सीनियर आदमी है, आप बात तो देखो ना, मैं कोई क्या चिल्ला चिल्ली क्यों कर रहा हूं, अपनी जवाब देने के लिए। बाल मुकुंद जी, बाल मुकुंद जी, आपके आपसे सवाल आपसे है। अनिल विज साहब कहते आज ही नजर आ रहे थे कि जो हुड्डा का रथ यात्रा है, उनका रथ है, एक पहिया शैलजा ले जाएगी, एक अशोक तंवर ले जाएगा,
और एक जो है कैप्टन अजय यादव ले जाएंगे, किरण चौधरी ले जाएंगे, तमाम तरह की बातें करते थे। इसका जवाब आपसे लेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का समय हो चुका है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और उसके बाद इसी का जवाब लेंगे बाल मुकुल शर्मा से, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। और आज हम चर्चा कर रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से जो चुनावी घोषणाएं की जा रही हैं, आखिर किस हैसियत से वो ये चुनावी घोषणाएं कर रहे हैं? क्या पार्टी की ओर से उन्हें कमान सौंपी गई है, या फिर कहीं तैयारी तो नहीं कि अगला जो चुनाव है हरियाणा प्रदेश में वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा? क्या ये अधिकार उनको मिल चुका है? इसी पर हम चर्चा करें, लेकिन उससे पहले सुनवाते हैं आपको कुलदीप शर्मा की ओर से क्या कुछ कहा गया, जो कांग्रेस नेता है, विधायक है और साथ ही पूर्व स्पीकर रह चुके हैं। हम इलेक्शन ईयर में आ चुके हैं, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस और असेंबली इलेक्शंस 2019 में होने हैं, लेकिन पार्टी का जिला स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर संगठन का ना होना, ये हरियाणा में पिछले 4 साल से नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है कांग्रेस जनों के लिए। तो अभी संगठन स्तर पर ही कांग्रेस का काम शुरू नहीं हुआ, जिला स्तर पर, संगठन स्तर पर जो है, जमीनी स्तर पर यानी कि कांग्रेस का काम शुरू नहीं हुआ, लेकिन चुनावी घोषणाएं जो है वो सामने आने लगी हैं, जिससे गुटबाजी जो है एक बार फिर से खुलकर सामने आने लगी है कांग्रेस की ओर से। केवल ढींगरा जी हमारे साथ मौजूद है फोनलाइन पर, कांग्रेस के प्रवक्ता है। केवल ढींगरा जी, अभी कांग्रेस की ओर से जमीनी स्तर पर तो काम किया नहीं जा रहा है, कैसे जो है चुनाव जीतने की कोशिश है ये, हालांकि चुनावी घोषणाएं जो है वो शुरू हो गई? केवल ढींगरा जी आवाज मिल रही है आपको? केवल ढींगरा जी आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए बाल मुकुंद शर्मा जी, यही सवाल आपसे भी जी, कैसे चुनाव जीतेंगे आप? चुनावी घोषणाएं बड़ी बड़ी की जा रही हैं, अभी जमीनी स्तर पर तो आपका काम हो नहीं रहा है, उलझे हुए हैं आप। चुनाव जीतेंगे, कांग्रेस के पक्ष में एक तरफा माहौल है हरियाणा में, आपको पता है जमीनी स्तर पर तो आज हरियाणा में कांग्रेस में है पूरा हरियाणा, और संगठन की जहां तक बात है, संगठन हमारा पूर्ण रूप से तैयार है काम। अशोक तंवर के संगठन को एक साथ जोड़ने में ही पूरी एनर्जी जा रही है कहीं ना कहीं कांग्रेस की? नहीं, संगठन को, संगठन अपने स्तर पर काम किया हुआ है, अभी अशोक तंवर जी हर प्रदेश में दस्तक दिए हुए हैं, हमारी साइकिल यात्रा कंटिन्यू चली हुई है और काम कर रहे हैं जो अशोक तंवर जी ने काम किया है पिछले 4 साल। मुलाकात करते हैं, कहते हैं कि यहाँ पर तो जिला अध्यक्ष नहीं है, संगठन बना नहीं है, राहुल जी के पास उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही, और ना ऐसी कोई बात है। कैसी बात कर रहे हैं? नहीं, उन्होंने खुद राहुल जी से मिलकर ऐसी बात नहीं कही, ऐसा नहीं कहा उन्होंने। बाइट सुनिए, केवल ढींगरा जी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। केवल ढींगरा जी, कुलदीप शर्मा बीते दिनों राहुल गांधी से मिलने गए थे, उन्होंने कहा कि इस प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति खराब है, अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कमान नहीं सौंपी जाती है तो चुनाव जीतना मुश्किल है। और बाल मुकुल शर्मा जी को यह भी बता दीजिए कि उन्होंने यही बातचीत की थी या नहीं की थी? नहीं, देखिए उन्होंने अपनी बात रखी होगी, जो कि एमएलए का अधिकार है अपनी बात एएससीसी को रखने का, तो उन्होंने जो बात रखी है वो रखी होगी उन्होंने, ये उनका अधिकार है। हर एक एमएलए जो चुना हुआ है लोगों का, वो अपनी बात है हमेशा अपनी बात जो है राहुल गांधी जी के सामने रख सकता है, तो उन्होंने रखी होगी ये बात। लेकिन जहां तक आज के मुद्दे पे आप बात कर रहे हैं, तो हम डंके की चोट पे कहते हैं कि हम 3,000 रुपए पेंशन करेंगे। नहीं, केवल ठीक है, एक चीज और बताएं आप, क्या पार्टी के अंदर कोई भी घोषणा कर सकता है? देखिए आपको ये बात और बता दूं, वो सीनियर हमारे 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं और हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर हैं। आपको ये भी बता दूं कि जिस समय हमारी सरकार सत्ता में आई थी, 200 रुपए पेंशन होती थी हरियाणा के अंदर। नहीं, आप कह रहे हैं, सुनिए केवल ढींगरा जी, केवल ढींगरा जी, वो चुनावी घोषणा हमने सुन ली है, आप कह रहे हैं कि 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, सीनियर नेता है कांग्रेस के, क्या अगले मुख्यमंत्री भी वही बनने वाले हैं? मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अभी चुनाव नहीं आए, जिस समय चुनाव की घोषणा कर रहे होंगे ना सर, मैं आपको हरियाणा में, ये हमारी एआईसीसी तय करती है, वो उनका अधिकार है, लेकिन हम आपको चुनावी घोषणा करना भी सर किसका अधिकार है, फिर वही सवाल आ जाता है। मैं आपको यही बात कह रहा हूँ कि घोषणा पूरी घोषणा कोई, हम जो सीनियर लीडर है, साहब कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है आपका एक जो आवाज, दो तीन चीजें कहना चाहूंगा। पहली चीज बात सुन चुके हैं सर, देखिए पहली चीज तो ये है कि जिस वक्त कांग्रेस की हुड्डा साहब की सरकार आई थी, 500 रुपए जो है वो मिलती थी बुढ़ापा पेंशन, और हुड्डा साहब जब सरकार गई है तो 1,000 रुपए थी, 7 साल में तो बैंक भी डबल कर देता है, आप 10 साल के अंदर उसको 1,000 किया, ये कौन सा आपने बड़ा तीर मार लिया था? अब आज आप बात कर रहे हो 3,000 की, जब आप 10 साल सत्ता में रहे तो आप सो रहे थे, उस वक्त आप क्या कर रहे थे? और जब इन्होंने कहा कि हम किसानों का कर्जे की बात करते हैं, हैरानी इस बात की है, जून 2006 के अंदर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आ गई थी और हुड्डा साहब खुद उस कमेटी के हेड थे, जो 3 मेंबरी कमेटी थी जिसमें नीतीश कुमार जी, बादल साहब और हुड्डा साहब होते थे, जिसने ये सिफारिश की थी। अब हुड्डा साहब 7-8 साल में उसको लागू नहीं कर सके, उसको दबा के बैठे किसान की बात कैसे कर रहे हैं? मुद्दे पर अगर आए सवाल आपसे भी यही है कि क्या पार्टी के अंदर कोई भी
जो है अगर बढ़ा देता है तो वो कहीं पर भी जाकर चुनावी घोषणा कर सकता है अपनी मर्जी से, या अध्यक्ष के पास अधिकार होता है या भावी सीएम के पास? चुनावी घोषणा जो है वो अध्यक्ष के पास अधिकार होता है, अध्यक्ष जब उसकी रजामंदी देता है उसके बाद तो जैसे हम प्रवक्ता है। अब हमने भिवानी की रैली में चौटाला साहब की ने जो 5 घोषणाएं की थी, किसान के कर्ज माफी की, बिजली बिल माफी की, उन्होंने जब वो घोषणाएं कर दी उसके बाद तो बींगे प्रवक्ता मैं रोज चैनल पे बोलता हूं कि जैसी INLD बसपा सरकार आएगी हम ये 5 वायदे पूरे करेंगे। लेकिन जो प्रथम घोषणा होगी वो तो पार्टी के अध्यक्ष ही करेंगे ना, उसकी पावर तो उन्हीं के पास है। और वो अगर मुझे ऑथोराइज कर देते हैं कि आप ऑथोराइज है, आप मेरे ब्याह पे जाके ये बात बोल दीजिए, मैं बोल दूंगा। किसी और ऑथोराइज कर देते हैं, हाँ जिनको वो ऑथोराइज करेंगे वो उस घोषणा को बोलेंगे। और आपको याद होगा अभय सिंह जी ने भिवानी रैली में वो 5 घोषणाएं जब की थी, उन्होंने बाकायदा कहा था कि ओम प्रकाश चौटाला जी के निर्देश पे मैं आपसे ये 5 वायदे कर रहा हूँ। उन्होंने लाइन ही यहाँ से शुरू की थी, तब वो 5 वायदे जनता से किए गए थे। बालमुकुंद शर्मा जी, क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी ऑथोराइज है आपकी पार्टी से चुनावी घोषणा करने के लिए? मैं 2-3 दफा कह चुका हूँ आपके सामने, मैं अभी भी दोबारा वही बात रिपीट कर रहा हूँ, ये लोग सुझाव देंगे हमें अशोक तंवर जी को। सवाल फिर वही आता है सर, मीडिया के सामने सुझाव क्यों? चुनावी घोषणा करने का अधिकार किसके पास है? अशोक तंवर के पास। अशोक तंवर के पास है, हुड्डा की घोषणाओं का क्या होगा? अब वो तो वही बताएंगे, यानी उनको नहीं माना जाएगा? नहीं, मैं नहीं कह सकता। नहीं, ये सुझाव नहीं है क्योंकि मीडिया के सामने चुनावी घोषणा, आप ये बताएं पार्टी अध्यक्ष जो है इस घोषणा को मानेंगे नहीं मानेंगे? ये ऐसा तो है नहीं, कांग्रेस पार्टी आज खड़ी हुई है, 60 साल सत्ता में हमने वो किया है, हमारी भागीदारी है, देश की जनता के साथ हमारा जुड़ाव है। पहले आप उठा करके देख लो, पार्टी का जब चुनाव घोषित होंगे उस समय एक मैनिफेस्टो आएगा। मेरी बात सुनो, पूरी बात होने दे, बात कर जाती है। मैनिफेस्टो जब हम तैयार करेंगे, सवाल भी ले लीजिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा फिर अशोक तंवर के पास जाकर क्यों नहीं सुझाव देते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? बात करेंगे उनसे, बात करेंगे उनसे। मैनिफेस्टो जब हम बनाएंगे तब सबके सुझावों को। मैं अशोक तंवर पार्टी के अध्यक्ष हैं जी, मैं पार्टी का प्रवक्ता हूँ, आधिकारिक तौर पर वो लोग अशोक तंवर जी के पास लेके आएंगे ये सुझाव अपने। हाँ। और हम बैठ करके मिल बैठ करके पूरा बड़े पूरा 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 करेंगे हम, जो है कांग्रेस आएगी तो यही घोषणा पूरी करेगी, यानी ये देखिए दिंगड़ा जी ने कहा हम पूरा करेंगे, उन्होंने ये नहीं कहा कांग्रेस पूरा करेगी। हम मैं कैसे पूरा करेंगे तो दिंगड़ा जी बताएंगे, उन्होंने कहा हम पूरा करेंगे। आप खुद ही सवाल कह रहे हैं, नहीं दिंगड़ा साहब से सुन लेते हैं। ठीक है आपने नहीं सही सवाल किया आपने। दिंगड़ा साहब, हाँ जी, हम करेंगे कांग्रेस नहीं करेंगी, बालमुकुंद शर्मा जी खुद सवाल उठा रहे हैं। मैंने उठा रहा हमसे किसका तात्पर्य? हाँ, ये कहा हम करेंगे, कहा ना आपने, कहा सर आपने सवाल सुझाया, इन्होंने ये कहा हम करेंगे कांग्रेस का नाम क्यों नहीं, हम करेंगे कांग्रेस नहीं, कांग्रेस नहीं। दिंगड़ा साहब, कांग्रेस का नाम क्यों नहीं लेते? हम कौन? हम मतलब कांग्रेस जी। अच्छा अच्छा, ये बालमुकुंद शर्मा जी को कंफ्यूजन क्यों होती है सर? नहीं, मुझे बालमुकुंद शर्मा जी मोहर लगा दिए गुटबाजी पर, आप अब तो आपको बोलना ही पड़ेगा। कांग्रेस इज भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा इज कांग्रेस। तंवर साहब कहां है? अशोक तंवर कौन है सर? आप सोशल मीडिया पर भी जाते हुए एकाध बार वहाँ कुछ चीजें ट्रोल होती हैं जी। वहाँ तो अभी कुछ लोग कह रहे हैं कुलदीप बिश्नोई कल परसों अध्यक्ष बन जाएगा, वो भी कह रहे कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस चला रहा है। नहीं आप सुनो इसी का जवाब, वो भी कहते हैं कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस और कांग्रेस इज कुलदीप बिश्नोई, वो बहुत से ऐसे लोग कहते हैं। सर एक सवाल, जब गुरुग्राम में जब गुरुग्राम के जब जिला दफ्तर में कांग्रेस जिला दफ्तर में दीपेंद्र हुड्डा जाते हैं रातों रात अशोक तंवर के पोस्टर फाड़ दिए जाते हैं, तो वो तो अनुशासनहीनता है, जो भी कार्रवाई होगी वही होगी। और जब तंवर साहब चंडीगढ़ ऑफिस में जाते हैं तो हुड्डा साहब के पास दिए जाते हैं ये सर आप ये बताइए, कार्यकर्ता भी गुटबाजी का शिकार हो रहे हैं, वो भी सोच रहे हैं कि हम हुड्डा खेमे में है, अशोक तंवर खेमे में है, और नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, कांग्रेस तो अशोक तंवर के नेतृत्व में चल रही है ना जी, बाकी लोग व्यक्तिगत स्तर पर अपने कार्यक्रम कर रहे हैं, वो करते रहेंगे, कांग्रेस को मजबूत करते रहेंगे। फैसला अशोक तंवर की ओर से जो घोषणाएं की जा रही हैं प्रदेश की जनता के सामने इनका चल चरित्र और चेहरा जिस प्रकार मैं बताता हूँ, अपनी डेफिनेशन भूपेंद्र सिंह हुड्डा अशोक तंवर को दो, हमें ना सिखाओ। आपके संपर्क का दुरुस्त कर दें, 10 साल के करते भूपेंद्र सिंह हुड्डा खोजे गए थे, उनको भरने का काम कर रहे हैं, भरने का काम कर रहे हैं, 3 बार चल हमने भरने का काम कर रहे हैं, टीवी देखने वाली बात है, अरे कमाल की बात है, अपना परिवार तो संभाल लो,
प्रदेश की जनता 2019 में तय कर चुकी है, जिस प्रकार से प्रदेश की जनता हमारे लिए तो आप भी हमारा परिवार हो, हम तो वसुदेव कुटुंबकम की सोच रखने वाले लोग हैं, आप भी हमारे परिवार के सदस्य हो, गुमराह करने का काम कर रहे हैं, उस तरीके की सोच नहीं रखते आप की तरह, हम ऐसे बंटवारा नहीं करते, हिंदू मुस्लिम में बंटवारा कर दिया, जात गए जात में बंटवारा कर दिया, महिला पुरुष में बंटवारा कर दिया, पति पत्नी में बंटवारा कर दिया, हमें तो वसुदेव कुटुंबकम की राजनीति करने वाले लोग, कांग्रेस सारे सारे आयाम को साथ में लेकर चलती है, आप बंटवारा करने वाले लोग हैं, कोई बंटवारा छोड़े नहीं आप, समाज का और देश का बंटवारा अगर किसी ने किया तो पत्नी पत्नी का बंटवारा, किस प्रकार से, मैं जवाब दे रहा हूँ, प्रदेश की जनता के साथ छलावा है और प्रदेश की जनता इनका चाल चरित्र चेहरा समझ चुकी है, 2019 में वोट की चोट से बदला लेगी इन लोगों से। और मेरी इनको नसीहत, चाहे अशोक तंवर गुट हो, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चाहे दूसरा कोई गुट हो, जिस प्रकार से प्रदेश की जनता के साथ धोखा और छलावा कर रहे हैं, हेलमेट पहन के वोट मांगने जाएं, नहीं तो प्रदेश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। अत्रे साहब का जवाब, उसके बाद कलकारी जी। देखिए, एक बात तो इन्होंने कटारिया ने सही की कि 2019 में जनता मन बना चुकी है, ये बात भी ये ठीक कह रहे हैं कि 2019 में प्रदेश की जनता जो है वोट से अपना बदला लेगी, लेकिन लेगी किससे, सत्ता पक्ष से, आईएनएलडी और बहुजन समाज पार्टी सरकार बनाएगी, सत्ता में आप है, जो भ्रम पैदा करने की कोशिश, देखिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शब्दों की बाजीगरी लगातार होती रही है, अब कांग्रेस ने हुड्डा साहब काम करके दिखाया है, अरे काम किया कहां है, किसी ने काम किया, आकर 50% लाभ अपराध बढ़ा है, नहीं एक सवाल ये भी है आपसे, क्या लगता है कि आप कहने भ्रम फैला रहे हैं, ये भ्रम की स्थिति, इसका फायदा तो कांग्रेस को होने वाला नहीं है, नहीं कांग्रेस को तो देखिए, कांग्रेस तो वैसे ही उसका बेस खत्म हो चुका है, कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं है, फायदा नुकसान तो तब की बात है, लेकिन यहाँ पे अपनी पार्टी में अपना अस्तित्व ढूंढने की कोशिश है, प्रदेश की जनता की फिक्र नहीं है, ना ही हुड्डा साहब को फिक्र है, ना ही कांग्रेस के दूसरे नेताओं को फिक्र है। मलकानिया साहब, कितना माना जाए, यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनावी घोषणाएं करते हैं, बाल मुकुंद शर्मा जी कह रहे हैं उनकी घोषणाएं वही जाने, जनता के सामने क्या कुछ स्थिति लाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि अनिल विज कहते हैं कि जो हुड्डा कर रहा था उसका भी एक एक टायर सब लेकर चले जाएंगे। कई बार तो ऐसा लगता है कि ये नेता लोग जनता के पीछे ऐसा भ्रम फैलाते हैं कि हम ये इतना बड़ा काम कर देंगे, ये कर देंगे, और कई बार इम्पॉसिबल होता है, जब इम्पॉसिबल होता है तो जनता ये समझ जाती है ये नेता घोषणा कर रहा है ये पूरा नहीं करेगा, और कई बार तो नेता भी ये समझते हैं हमने सत्ता में तो आना नहीं, घोषणा कर दो और बाद में देखा जाएगा, सत्ता में आएंगे जो दूसरा आएगा वो देखेगा, और ये घोषणा जो नेता घोषणा करता है उसको ये धरातल पर भी देखना चाहिए कि हम इसको पूरा कैसे करेंगे। अगर आप घोषणा कर रहे हैं तो इसमें घोषणा सिर्फ अपने अस्तित्व की लड़ाई है, मैं मुझे भी प्रोजेक्ट किया जा सकता है, और मैं भी पिछले दिनों जब जो केंद्रीय कमेटी है कांग्रेस की उसमें जगह मिली हुड्डा को, शैलजा को, सुरजेवाला को, ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं जो ये वर्चस्व की लड़ाई है, गुटबाजी है, वो कम होगी, लेकिन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इसके पीछे क्या वजह? नहीं, जो लड़ाई है ये है तो वर्चस्व की है, किसे प्रोजेक्ट करते हैं मुख्यमंत्री, किसको प्रोजेक्ट करते हैं, प्रोजेक्ट वही होगा जिसका जनता में जनाधार होगा, और जनाधार सिद्ध करने के लिए लोगों को लुभावने वायदे किए जा रहे हैं, यात्रा की जा रही है, इसलिए साइकिल यात्रा की जा रही है, इसीलिए की जा रही है कि मेरे पीछे कितनी जनता है, और लुभावने वायदे भी इसीलिए किए जा रहे हैं कि लोग हमारे पीछे लगे, परंतु जनता आज समझ आ रहा है, ये भी देखती है कौन सा वायदा पूरा किया जा रहा है, हमारे साथ है, यही कोशिश है इन चुनावी घोषणाओं के माध्यम से, क्योंकि बाल मुकुंद शर्मा जी, फिर वही बात, बाल मुकुंद शर्मा जी कह रहे हैं कि उनकी जो घोषणा है वो वही जाने, यानी प्रदेश अध्यक्ष के पास अधिकार है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो घोषणाएं कर रहे हैं उसे पार्टी नहीं मानेगी, उनकी घोषणा को वही जाने, तो नहीं अमल करेंगे, सुझाव देंगे तो अमल करेंगे, सुझाव नहीं है, वो कह रहे हैं सुझाव नहीं है, ये सीधे सीधे घोषणाएं हैं, आप कह रहे हैं उनकी घोषणाओं को वही जाने, सुझाव का अमल करेंगे, मैंने ये कहा सुझाव का अमल नहीं दिया ना सर, उन्होंने तो घोषणा दी, सुझाव दिया, सुझाव नहीं दिया, केवल हीरा जी कह रहे हैं उन्होंने सुझाव नहीं दिया, दिनिया जी, दिनिया साहब आवाज मिल रही है आपको, लगता संपर्क
संपर्क टूट चुका है। बालमुकुंद जी आपके पास आना चाहेंगे। ये सवाल ये भी है कि जो जयतीर्थ दहिया है विधायक है और वो हुड्डा खेमे के मारे जाते हैं, उनके समेत 12 विधायक इस्तीफा देने वाले थे, उन्होंने खुद कहा था एक इंटरव्यू में, क्या लगता है कि धमकी दे रहे हैं? उन्होंने ये भी कहा था कि अशोक तंवर अगर जो है नहीं हटाए गए तो हम इस्तीफा दे देंगे। नहीं, वो किस तारीखों की थी घोषणा उन्होंने जयतीर्थ दहिया ने? 2017 की बात कर रहा हूँ। डेट याद है आपको? बिल्कुल याद है। जयतीर्थ दहिया ने बकायदा पत्रकारों को तारीख बताओ ना, उसके संदर्भ में बताओ। नवंबर नवंबर के आसपास के सर। अच्छा, और मैंने उनको बयान सुना है। पक्का है ना? बिल्कुल पक्का है सर। देखिए अगर कोई इस तरह, आपको सुना दूंगा इस डिबेट के, बहुत सुना दोगे तो मैं ऐसा जवाब दूंगा फिर वो लोग नहीं, बिल्कुल मैं बिल्कुल सुनाऊंगा आपको, बिल्कुल इसमें बकायदा चर्चा भी हुई थी और जयतीर्थ दहिया जी को इन्होंने लाइन पे भी लिया था फोन पे, मैं उस चर्चा में था और उन्होंने दो बार इसकी जो है तस्दीक की थी। फिर अब दिया क्यों नहीं, रोकया किसने उनको? नहीं, आप जवाब दीजिए ना कि धमकी की राजनीति क्यों नहीं। मैं तो देखिए, मैं धमकी की राजनीति से जवाब ले लेंगे उस पर चर्चा होगी। मैं बताता हूं, हम धमकी, आज प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर जी और वो लगातार काम कर रहे हैं, बहुत से लोग, मैंने पहले भी बताया था आपको, देखिए मैं एक एक लोगों को हम जवाब देने की जरूरत नहीं हमें, लेकिन जो लोग जवाब देते हैं वो देते रिजाइन। सर आपकी पार्टी के 12 विधायक इस तरह की धमकी देते? उन्होंने कहा था कि खुद मैं कमलनाथ के सामने गया था, वहां पर सभी विधायकों ने कहा था एक स्वर में, ये भी उन्होंने कहा है। हाथ किसने पकड़ा है, रोकया किसने है, देते क्यों किया जा रहा है? सवाल तो आपसे ही है ना, वो तो उनसे पकड़ना जी, अलग बात है। वो उनसे पूछा, जयतीर्थ दहिया वो लाइन पर लेके उनसे पूछे कि आपने अभी तक रिजाइन दिया क्यों नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ, केवल एक हमारा उद्देश्य है, जनता से संवाद सीधा करना। अशोक तंवर पार्टी के अध्यक्ष हैं, दोबारा घोषित हो गए, चुनाव में वही नेतृत्व करेंगे, उनके नेतृत्व में चुनाव होगा और विधायक बैठ के तय करेंगे वो पार्टी का जो। अच्छा, हमारा कैप्टन अजय यादव कहते हैं, नहीं कैप्टन अजय यादव कहते हैं, ढिंगरा साहब से सवाल लेते हैं, कैप्टन अजय यादव कहते हैं ढिंगरा साहब ये जो कांग्रेस की नैया है वो हुड्डा साहब ने डुबोई है। देखिए मेरी बात सुनिए, अभी चुने हुए एमएलए की बात चल रही थी, ये जो चुने हुए एमएलए हैं ये लोगों के द्वारा चुने हुए हैं और ये कांग्रेस के एमएलए हैं, ये कहीं बाहर से लाए हुए एमएलए नहीं है। और ये बात नहीं, ढींगरा साहब आप भी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बाल में कुछ अजय यादव सहमत नहीं होते हैं सर? और मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा, कैप्टन अजय यादव कहते हैं कि कांग्रेस की नैया डुबोई है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बिल्कुल हरियाणा के अंदर बिल्कुल डुबोई है, आप कह रहे हैं अजय यादव ठीक है। अगर ये आप कर रहे हैं, ये जो आप सभी बैठे हैं, मैं इन सभी को बताना ये चाह रहा हूँ कि ये हाईकमान को बात सुनाना कोई गलत बात नहीं होती। सर मेरे सवाल का जवाब दिया आपने, कैप्टन अजय यादव क्यों कहते हैं ऐसा? राहुल गांधी कैप्टन अजय यादव क्यों कहते हैं ऐसा? कांग्रेस की नैया डुबोई है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, क्या कुछ बाजी है क्या? कैप्टन अजय सिंह जो है वो अपनी बात अपने आप बताएंगे, उसका जो आकलन है वो बना रही है। इससे सवाल होता है, वो कहते हैं व्यक्तिगत है, आपसे होता है, आप कहते हैं वो बताएंगे, आप गुटबाजी मान क्यों नहीं लेते? आप गुटबाजी मान क्यों नहीं लेते? बातें खत्म हो जाएगी, चर्चा यही खत्म कर देंगे हम इसके बारे में भी संज्ञान हमारी। चलिए ठीक है, एक आखिरी सवाल आपसे ये, ठीक है साहब आखिरी सवाल आपसे ये कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा घोषणा करते हैं, बाल मुकुंद शर्मा जी कहते हैं कि अशोक तंवर के पास अधिकार है घोषणाएं करने का, हुड्डा जो घोषणाएं कर रहे हैं उनको वही जाने, तो फिर किस नहीं, नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा सुझाव देंगे, मैंने कहा वो सुझाव आएगा उनका। आपसे पूछा भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो घोषणा करें उनका क्या होगा, उन्होंने कहा फिर वही जाने, सुझाव आएगा उनका हमारे पास। आपने कहा वही जाने उनकी घोषणा नहीं, मैं उनका सुझाव आएगा हमारे पास। आपको लगता है क्या सुझाव आएगा? हां सुझाव आएगा, सुझाव अगर उन्होंने कहा तो आएगा सुझाव, वो कह रहे सुझाव नहीं है घोषणा है। ठीक है साहब, अवंतिका जी सुन लो, मैं आपको बात बताता हूँ जी, बताइए। तो घोषणा करने का अधिकार हमारे सीनियर नेता है तो कर सकते हैं, जब मैनिफेस्टो आएगा और वो मैनिफेस्टो एआईसीसी तय करती है, मैनिफेस्टो होगा सब अपनी मर्जी से घोषणा कर सकते हैं ना सर, घोषणा हमने कर दी, करनी नहीं है घोषणा है। पूरे राष्ट्रीय स्तर पर करनी पड़ेगी ना कांग्रेस। भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या पूरे देश की घोषणा करेंगे? भूपेंद्र हुड्डा जी ने ये कहा कि केंद्रीय नेताओं से हमारी बात हुई थी, सबके कर्जे माफ करेंगे, ये पेंशन बढ़ाएंगे, केंद्रीय नेताओं से बात करने की बात की, सुन सकते हो आप? आप बेशक माने या ना माने, लेकिन गुटबाजी दिखाई देती है। गुटबाजी क्या दिखाई देती है? इससे तो ये लगता है कि हुड्डा साहब अलग पार्टी बनाने की तैयारी में हैं। जुड़े हमारे साथ, लेकिन आज चर्चा इसी पर हुई कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा घोषणा कर रहे हैं आखिर किस हैसियत से कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता कहते हैं कि उनकी घोषणाओं को वही जाने, अशोक तंवर जो है उन्हीं के पास अधिकार है इस तरह की घोषणाएं करने का। चर्चा में इतना ही, नमस्कार।